आपको सामाजिक मनोविज्ञान भी जानना पड़ेगा बीमारियों को ठीक करने के लिए। जुकाम का पेशेंट सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाता है, सिट्रिजिन या वो एविल या वो क्या जो एंटी एलर्जिक है वो लेता है, अपने आप लेता है, वो कहता है बस वो मेडिकल स्टोर को मेडिकल दे देता है। या फिर थोड़ा समझदार व्यक्ति है तो वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा करके एंटी हिस्टामिन और ये आपका जो भी एंटी एलर्जिक्स है और एंटीबायोटिक वगैरह लेकर के जब ठीक नहीं होता है तब वो आपके पास आता है। तो ये बात जान लीजिए, आपको जो केस मिलता है जुकाम का वो नज़ला होता है, दुष्ट प्रतिस्या है, मतलब पूरी तरीके से बिगड़ा केस आपके हाथ में आता है। अब आपके शास्त्र में लिखा हुआ है कि वृद्ध यदि बढ़ गया है पीनस तो क्या होगा, बाधिर्यम यहां तक कान की सुनाना कम हो जाता है, अंध्यम ब्लाइंडनेस आ सकती है, अग्रत्वम च नाक में स्मेल पता ही नहीं पड़ती है, घोराश्च नयन आंखों की बड़ी बीमारियां या स्वेलिंग चेहरे पर या भूख खत्म जाती है और खांसी आती रहती है, क्रॉनिक कफ होता ही रहता है उसको। तो ऐसे हाल में आप क्या करें, देखो उसको आपको आप 24 घंटे संग में उसके रहोगे नहीं, इसी में बैठेगी बैठेगा वो, गर्मी लगेगी उसको तो पंखा चलाएगा। तो गर्मियों में कैसे ऐसे जुकाम को ठीक करें अब हम आपको बताते हैं।